हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरओ टेक्निकल एक्सपर्ट्स। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, सेफ होंगे। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम लाइव टेस्ट करेंगे बायो प्लस एल्कलाइन का। एक्चुअली हमारे जो क्लाइंट एंड का कहना है कि पानी का टेस्ट जो है कुछ तीखा लग रहा है, मतलब पानी का टेस्ट कुछ अच्छा नहीं आ रहा। तो जब हमने आके चेक किया TDS वगैरह, TDS भी लो है और हमने पानी का pH भी चेक किया है, पानी का pH भी बहुत ज़्यादा लो जा रहा है, मतलब लगभग 6 के करीब pH आ रहा है। तो ये देखिए, हमने प्री फिल्टर तो चेंज कर दिया, लेकिन अब हमने क्या करना है, इसमें एक एल्कलाइन फिल्टर लगाना है बायो प्लस का, और दिखाते हैं कैसे एसिडिक पानी को एल्कलाइन पानी में कन्वर्ट करता है बायो प्लस, और सारी शेड दिखाएंगे किस टाइप से शेड कन्वर्ट होती है, जो किट मिलती है, किट के साथ जो आता है पूरा सेट, उससे कैसे पानी चेक किया जाता है। पहले एक बार TDS चेक कर लेते हैं। तो ये TDS जो हो गया, ये हमारा हो गया रा पानी का, जो टैप से पानी आ रहा है उसका लगभग 660 के करीब TDS है, और ये हमारा RO का पानी है जिसका TDS लगभग 40 आ रहा है। 40 TDS कम है बहुत ज़्यादा, इसका थोड़ा TDS भी बढ़ाना पड़ेगा, जो कि हम बाद में बढ़ाएंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी हम इसका एल्कलाइन टेस्ट करते हैं कि पानी pH कितना दे रहा है, और हम जब एल्कलाइन इसमें लगाएंगे तो उसके बाद पानी का pH कितना मेंटेन होगा। तो ये हमारा रा पानी हो गया, इसमें ग्रीन शेड आ रही है, जबकि ये हमारा RO का पानी है तो इसमें येलो शेड आ रही है। आप देख सकते हैं येलो शेड जो बोतल पे चार्ट बना हुआ है, उसमें 6 pH के करीब होता है, और 6 थोड़ा एसिडिक की तरफ जा रहा है, और ग्रीन कलर जो आ रही है न्यूट्रल पानी है। अब हमारे क्लाइंट का कहना था कि भाई इसमें एल्कलाइन लगा दिया जाए, क्योंकि शायद इनको किसी ने रेकमेंड किया था कि एल्कलाइन फिल्टर आप लगवा लीजिए, तो उनके कहने पर ये एल्कलाइन फिल्टर भी लगवा रहे हो, और हमने पानी पूरा आके टेस्ट किया, तो ये मेरे पास बायो प्लस का ये एक एल्कलाइन फिल्टर है, उसकी लाइव टेस्टिंग करते हैं अब, और आपको दिखाते हैं कि भाई किस टाइप से और कितना pH तक लेके आता है। ये सारे इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि इसके बेनिफिट क्या रहते हैं, हाइड्रोजन रिच वाटर रहता है, एल्कलाइन पानी बन जाता है, एंटीऑक्सीडेंट है, ये सारे बेनिफिट्स है, एंटी एजिंग है, हमारे हार्ट के लिए, बोन्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है ये एल्कलाइन। पहले एल्कलाइन लगाने से पहले इससे थोड़ा पानी ड्रेन हम निकाल लेंगे, 5 मिनट के लिए हमें चलाना होगा, उसके बाद फिर हम RO में इसे इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि इसका कलर जो है थोड़ा निकलता है। ये देखिए, अब हमने इसमें एल्कलाइन जुगाड़ करके इसमें फिट कर दिया है, तो ये फाइनल पानी जो है हमारा एल्कलाइन से होता हुआ ये हमारा स्टोरेज टैंक में जाएगा। तो यही पाइप जो हमारा स्टोरेज टैंक में जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल हम इसे टैंक में नहीं देंगे, अभी एक ग्लास में इसका पानी भरेंगे, देन उसके बाद फिर हम चेक करते हैं कि भाई जो पानी पहले एसिडिक आ रहा था एल्कलाइन के बाद, अगर वो पानी जाता है तो एसिडिक पानी कैसे एल्कलाइन बन जाएगा। ग्रीन कलर तो न्यूट्रल आपको दिख ही रही है, पानी एसिडिक नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल भले हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एसिडिक ना हो, और अगर एल्कलाइन हो तो वेल एंड गुड, क्योंकि एल्कलाइन बॉडी अगर रहती है तो उसमें हमारी बॉडी में क्या है कि जो डिजीज़ वगैरह जो रहती है, बीमारी बहुत कम पनपती हैं, इसलिए एल्कलाइन के बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा है। तो ये अब हमने पानी ले लिया है एक ग्लास में, अब इसके अंदर हम ये सॉल्यूशन जो इसके साथ आया हुआ है इसकी कुछ ड्रॉप डालेंगे और फिर देखते हैं। तो ये देखिए, अब हमने बायो प्लस के बाद जो पानी लिया उसका कलर जो है पर्पल कलर का हो गया, और अब इसकी शेड देखते हैं, लगभग इसकी शेड जो बोतल पे बनाई हुई है वो लगभग 8 to 9 pH के करीब इसमें दिया गया है,
एल्कलाइन लगाते ही पानी का पीएच देखिए मेंटेन हो गया है, और कोई चीज़ बनी है, कोई एल्कलाइन है, ब्रांडेड है, ऐसी बात नहीं है। कोई चीज़ अगर है तो काम तो करती है ना। उम्मीद आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।